पंजाब सरकार ने 10 कीटनाशकों पर पाबंदी ला दी है। किसान फसलों उपर इन्हों कीटनाशकों का छिड़काव नहीं कर सकेंगे। सरकार का दावा है कि यह फैसला बासमती की गुणवत्ता सुधारन के लिए लिया गया। इस दे लई खेतीबाड़ी महकमा एक पासे किसानों बासमती की फसल उपर 10 कीटनाशकों की वरतों ना करने प्रेरित कर रहा है, तो दूजे पासे कीटनाशक विक्रेता उपर भी शिकंजा कसया जा रहा है। इस बारे खेतीबाड़ी महकमे ने कहा है कि पाबंदी शुदा 10 कीटनाशकों के कई सारिया जो दवाइया ने उन्होंने नाम शामिल ने, सो बासमती की फसल से उपरोक्त कीटनाशकों की वरतों से पूर्ण तौर पर पाबंदी लाई गई है। खेतीबाड़ी महकमे का कहना है कि किसान सिखलाई कैंपा से सोशल मीडिया राही किसान वीर इन्हों पाबंदी शुदा कीटनाशकों की वरतों ना करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसका मकसद यह है कि वधिया गुणवत्ता वाली बासमती पैदा करके विदेशों के निर्यात की जा सके। इस अलावा विभाग वालों सारे कीटनाशक विक्रेतावान भी इस संबंधी जानकारी है जो दी जा रही है। कीटनाशक विक्रेतावान वालों हिदायत की है कि इन्हों 10 पाबंदीशुदा कीटनाशकों बासमती वरतण लिए ना वेचा जाए। कीटनाशक विक्रेतावान यह भी किया गया है कि जेकर किसानों ने ये दवाइया किसी होर फसल के वरतण लिए खरीदिया तो उस फसल का नाम बिल बुक के दर्ज किया जाएगा। इस ही वेची गई दवाइया के रिकॉर्ड रखने की हिदायत की गई है। इस ही चेतावनी दी है जेकर कोई डीलर इस काम के लापरवाही करता है तो उस खिलाफ एक्ट तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।